उदाहरण दो। एक वृत्त के अंतर्गत समपंचभुज खींचा गया है। समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएंगी? हल। समपंचभुज की पांचों भुजा पांचों भुजाएं बराबर होती है। अतः वे वृत्त के केंद्र पर बराबर कोण बनाती है। अतः माना समपंचभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर x अंश का कोण बनाती है। अतः पांच एक्स अंश बराबर 360 अंश होगा, क्योंकि वृत्त पर यहाँ पे पांच कोण बन रहे हैं और वृत्त में वृत्त का कोण जो है 360 अंश बनता है। तो एक्स अंश बराबर पांच का हम पक्षांतर करेंगे तो 360 अंश बटा पांच, इसीलिए एक्स अंश बराबर 72। 360 अंश को 5 से भाग करेंगे तो 72 अंश प्राप्त होगा, तो एक्स अंश बराबर 72 अंश यह प्राप्त हुआ। यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें। एक वृत्त के अंतर्गत सम बहुभुज खींचा गया है। सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए।